पंजाब रिपोर्ट में बात मानसा विधानसभा सीट की। इस सीट पर अकाली दल के प्रेम मित्तल विधायक हैं। प्रेम मित्तल विकास के दम पर एक बार फिर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के पास उनकी कमियों की पूरी लिस्ट तैयार है। क्या सोचती है मानसा की जनता, कितना विकास हुआ है, आइए जानते हैं। मानसा विधानसभा सीट बठिंडा लोकसभा हलके की एक महत्वपूर्ण सीट है। मानसा जिले में तीन विधानसभा हलके मानसा, सरदूलगढ़ और बुढ़लाठा पड़ते हैं। मानसा और बुढ़लाठा हलके में अकाली दल का कब्जा है, जबकि सरदूलगढ़ सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। मानसा जिले में कितना विकास हुआ और यहाँ की मुश्किलों के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक नज़र मानसा की सियासी तस्वीर पर। मानसा हलके से अकाली दल के प्रेम मित्तल विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस के गुरप्रीत करण को 1300 वोट से मात दी थी। इस हलके में सीपीआई का भी काफी प्रभाव माना जाता है। 2012 में विधानसभा चुनाव में सीपीआई और पीपीपी के साझा उम्मीदवार हरदीप सिंह अर्शी भी इस हलके से 30,000 से ज्यादा वोट लेने में कामयाब रहे थे। हरसिमरत कौर बादल के बठिंडा लोकसभा हलके में पड़ते इस विधानसभा क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है, इस बारे में जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, तो उन्होंने ना में जवाब दिया। टूटी सड़कें, बुरा सीवरेज प्रबंध, साफ सफाई का बुरा हाल, ट्रैफिक की समस्या, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रबंधों की कमी लोगों को बड़ी खल रही है। यहाँ जहाँ 100% आबादी है वह तो काम हो नहीं रहा है, जहाँ 1% आबादी है वहाँ काम हो रहे हैं। जैसे सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, सड़कें, रोड, मैं मौका दिखा देता हूँ, जहाँ जरूरत है वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। पंजाब सरकार ने हमारे से वादा किया है भी 5 मरलों को जो जिसके पास प्लाट है उनको सीवरेज पानी फ्री दिया जाएगा, पर इसकी इंक्वायरी करा के उनको फ्री नहीं दे रहे, उनके बिल आ रहे हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं सर, कोई डिवेलपमेंट नहीं हो रही इतने, सो दी कैंसर बेल्ट होने के कारण इतने ज़्यादा ज़्यादा कैंसर हो रहा, ये वास्ते कोई प्रबंध नहीं हो रहा, पानी का प्रबंध नहीं हो रहा, इस तरह का सीवरेज का प्रबंध नहीं है। जाके देख लो जिहड़ा ओवरफ्लो हो जाते हैं वापस आते हैं, और गरीब बस्तियों के पानी खड़ता, पानी खड़ के उन्हें डेंगू काफ़ी मानसा के सब तो वध डेंगू मानसा के हो रहा। ना कोई पानी की सहूलत है, ना सीवरेज सहूलत है, तो गलियां नालियों का बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि शहर के अंदर बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन अकाली दल का दावा है कि शहर के अंदर विकास ने पूरी रफ्तार पकड़ रखी है। सीवरेज, गलियां, नालियां और फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पक्ष के इन दावों की हवा निकाल रहे हैं। हुण आपां चल के देख लेने कि हुण भी विकास हो रहेगा, सीवरेज का मतलब सीवरेज पै रहा, वाटर सप्लाई पै रही है, रोड्स बनिया जा रही है। मैं इत्थे मतलब जिला प्रधान जूत दे नाल नाल वार्ड नंबर 21 तो MC भी है, मेरे वार्ड के कम चल रहे हैं, सीवरेज भी चल रहे हैं, गलियां भी बन रही हैं, इंटरलॉक टाइल्स बीबा जी के आने आप हम दो अंडरब्रिज ने दोनों ही बने, वो अकाली सरकार से बने मानसा के, एक अंडरब्रिज है, एक ओवरब्रिज है। थोड़ी जी बरसात ना ही लोगों का दो फुट सड़कों पर और फुट गलियों में पानी आ जाता, सारा शहर पानी भर जाता, तो सारा सीवर का बहुत नासिक तो माड़ा प्रबंध है। सारी जमीन इन्होंने बेचती जिथे जे उद्योग लगने सन। इस तो पहला भी सरदार बेअंत सिंह ने मानसा में स्पिनिंग मिल बनाई सी और बुढ़लाडे शूगर मिल बनाई सी, लेकिन दोवों शूगर मिल तो स्पिनिंग मिल भी अकाली दल की हुकूमत ने कलोनिया कट के कौडिया के भाव बेच दित्तियां। तुसीं आप ही शहर चो लंघ के आए होंगे, मैनू शहर की एक भी सड़क दिखा दिओ जो सही बनी होवे, जो प्रॉपर बनी होवे। पिछले 2 सालों से मैं कोई देखे नहीं कि इत्थे कोई सड़कां दा काम चल रहा होवे। जिहड़ियां सड़कां दी इह दहाई दे रहे ने कि बन रही ने, वो सेंटर सरकार दीआं टोल रोड्स ही बन रही ने, भावें आपां वड्डे हाईवेज दी गल करिए। कांग्रेस का आरोप है कि विकास का सिर्फ शोर मचाया जा रहा है, विकास के नाम पर पहले से लगाए गए प्रोजेक्ट ही बेच दिए गए। कैंसर मानसा की एक और बड़ी समस्या है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़े स्तर पर इस बीमारी की चपेट में है, लेकिन पिछले 10 सालों में इसके हल के लिए कोई अस्पताल यहां नहीं बनाया गया। लोगों को इलाज के लिए राजस्थान या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता है, जबकि अकाली दल का तर्क है कि सरकार ने मानसा के आसपास कई बड़े अस्पताल खोले हैं। मानसा विखे जदों के ख्याला मेन रोड दे उत्ते हस्पताल दी काफी जगह पई है, ते होर भी कई पिंड फ्री मुफ्त जमीन देने नूं तैयार सन कि कैंसर दा जां एम्स लैवल दा एक बड़ा हॉस्पिटल मानसा खोलिया जाए, ताकि मानसा जिले नूं बड़ा फायदा हो सके। कोई इत्थे जिहा हॉस्पिटल नहीं, साडे मानसा हलके दे मानसा इलाके दे लोग गंगानगर जांदे हन अपने कैंसर दे इलाज लई, राजस्थान जांदे ने।
देखो जी पहला अपने मतलब मालवा जोन दे विच एक फरीदकोट मतलब कैंसर का हॉस्पिटल खुल्ला है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर चल रहा जिहड़ा कि भी उहदे विच जिहड़े कैंसर के पीड़ित रोगी है उन्होंने किन्ना मतलब उत्थे फायदा मिल रहा है खज्जल खुआरी तो बच रहे हैं। मालवा दे विच एक हॉस्पिटल लग गया अपने फरीदकोट का बनया ना उत्थे तां केयर हो रही है फिर एक अपने आदेश मैक्स हॉस्पिटल बनया बठिंडे हुण बीबा जी एम्स लिया रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल के लोकसभा हल्के की इन विधानसभा सीटों के लोगों को विकास की बड़ी उम्मीदें थी। अकाली दल की तरफ से विकास के बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन वैसा विकास जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। हरसिमरत कौर बादल जो है इसी हल्के से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं तो ऐसे में जितने विकास की उम्मीद यहां पर की जा रही थी फिलहाल उतना विकास तो यहां पर नजर नहीं आ रहा है लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि अब जो कि इलेक्शन भी सर पर है और ऐसे में उम्मीद जो है वो ये की जा रही है कि यहाँ पर जल्द विकास होगा और जो सड़कों की हालत है वो जरूर सुधरेगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नितिन जाजी मीडिया मानसा।